कर्व, ये एक फ्रेंच नेम है, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने तकरीबन 1665 के अंदर ये ट्रायंगल जो है रीइन्वेंट की। बनाई किस मकसद के लिए गई थी ये ट्रायंगल? इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल फार्मूला के अंदर कोफिशेंट्स आते हैं हमारे पास, स्केलर कोफिशेंट्स, बजाय ये कि उसको हम कैलकुलेट करें यूजिंग कम्बिनेशन फार्मूला, हम जो इस ट्राइंगल की मदद से भी वो जो नंबर्स हैं वो याद रख सकते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर है तो ये फर्स्ट टर्म के साथ कोफिशेंट के साथ आएगा, दिस वे टू जो है सेकंड कोफिशेंट के साथ, और फिर अगेन वन जो है वो थर्ड कोफिशेंट के साथ। ये किस फार्मूला के लिए? ये बाइनोमियल जो फार्मूला है फॉर एन इज इक्वल टू थ्री के लिए। सिमिलरली आगे एन इज इक्वल टू फोर के लिए ये वाले कोफिशेंट चलेंगे, एंड सो ऑन। रीइन्वेंट का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि सिमिलर जो प्रोसीजर है 11th सेंचुरी के अंदर भी था, उसने ये इसको अपने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लिखा था। लेकिन चूंकि तब के ज़माने में कॉपीराइट नहीं था या नेट का ज़माना नहीं था, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी, इसलिए जो है लेटर ऑन जो पास्कल ने रीइन्वेंट किया, तो फिर सारी दुनिया में अब जो है ये पास्कल ट्राइंगल के नाम से ही जाना जाता है। तो मेन पर्पज़ यही था कि ये जो है बाइनोमियल फार्मूला, उसके जो कोफिशेंट्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया। सेकेंड जो है कि अगर आप इसके और डायगनली जो है इसकी टर्म्स को ऐड करें, जैसे दिस वन दिस विल बी वन, एक और लाइन लगा लें डायगनल, तो दिस विल बी अगेन वन, द नेक्स्ट विल बी टू, सिमिलरली नेक्स्ट विल बी, चलिए इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं हम, दिस विल बी थ्री। तो अगर आप इन डायगनल एलिमेंट्स को सम करें तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास फाइबोनाची सीरीज बनाते हैं। अब फाइबोनाची सीरीज क्या है और ये किस मकसद के लिए यूज़ होती है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने आपको इसका एक जो सीरीज़ का उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में बता दिया, 6 एंड 6 12 एंड 13। तो अगर आप इसको देखें तो ये जो 13 है एक्चुअली क्या, पिछले दो एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली 5 जो है ये क्या है, 3 और 2 को ऐड किया जा रहा है, सर 2 जो है ये पीछे 1 और 1 को ऐड किया जा रहा है। तो बार बार फाइबोनाची सीरीज को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जो पास्कल ट्राइंगल ये जनरेट कैसे होती है इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। पास्कल ट्राइंगल जो है उसका जनरेट करने का जो ट्राइंगल वर्ड है वो इस तरह के, आपके जो नी कोई भी एक एलिमेंट है ऊपर वाले दो एलिमेंट के साथ मिलकर एक ट्राइंगल बनाता है। अब ये जो ट्राइंगल का डाउनवर्ड जो साइड है ये जो ऊपर वाली दो साइड है उनके सम के बराबर है। जैसे 4 जो है ये 1 और 3 का सम है, सिमिलरली 10 जो है ये अपर दो एलिमेंट्स जो हैं 6 और 4 इनका सम है, 20 जो है ये अपर टू एलिमेंट्स 10 और 10 का सम है, एंड सो ऑन। जैसे 21 है तो ये 6 और 15 का सम है। तो आप जिधर भी कोई एक एलिमेंट लेंगे उसके ऊपर हमेशा दो एलिमेंट्स होंगे और उन दोनों के सम का ही रिजल्ट जो है वो नीचे उसके जो पॉइंटेड डाउनवर्ड है उसकी डायरेक्शन है उसके ऊपर आएगा। सिमिलरली ये किस तरह आ रहा से, यहाँ पर जो है अनअजाइंड 0 है, तो अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी 1 ही आएगा। तो पास्कल ट्राइंगल को सिंपल हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसकी साइड्स पे हमेशा 1 होगा और जो अंदर वाले एलिमेंट्स है वो हमेशा ऊपर वाले दो एलिमेंट्स का। होप सो ये आपको क्लियर हो। पास्कल ट्राइंगल को मैटलैब में कैसे जाए, पास्कल ट्राइंगल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, चूंकि मैटलैब जो वर्क करता है वो मैट्रिक्स में करता है, ट्राइंगल्स पे नहीं। तो अगर हम इस ट्राइंगल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो उसकी शेप कुछ इस तरह बन जाएगी, लाइक दिस। तो यहाँ पर जो है जो ऊपर अनअजाइंड वैल्यूज़ हैं उनको हम 0 फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 6 रोज है हमारे पास और 6 ही कॉलम्स हैं, यानी कि ये हमारे पास एक एन बाई एन मैट्रिक्स है। और जो अपर ट्राइंगुलर एरिया है वो सारे का सारा हमारे पास उसके अंदर जीरोज हैं। अब ये जीरोज हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब भी हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और मैटलैब में हमेशा जो भी मैट्रिक्स बना जाता है, जो भी वेरिएबल डिफाइन किया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई वैल्यू हमें स्टोर करवानी पड़ती है, आइदर वो कोई भी वैल्यू हो, न्यूमेरिकल हो या स्ट्रिंग। क्योंकि हम नंबर्स की बात करें तो हम नंबर्स को ही स्टोर करवाएंगे, तो इसलिए जो अपर पार्ट है ट्राइंगल का उस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है स्टाइल के हम जो है एक ऐसा तरीका डिवाइस करें जो लोअर ट्राइंगलर एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करता जाए और साथ साथ जो अपर ट्राइंगुलर्स हैं उनको 0 प्रिंट करता जाए। लेकिन एक सेकेंड वे क्या है कि आप पहले एक 0 मैट्रिक्स जनरेट कर लें, जो मैटलैब की बिल्ट इन कमांड है, जीरोज तमाम के तमाम इधर आकर।